हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैजिक वर्ल्ड 11। आज की डीएम की करंट एनर्जी जानते हैं, देखते हैं आज क्या कर रहे हैं। रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, द हर्मिट। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, द वर्ल्ड, जजमेंट। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी। काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, आप पे नज़र है। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उनके लाइफ में, या अवेकनिंग हो सकता है, या फिर वो अपने फैमिली से लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा इंट्यूशन ऐसा बोल रहा है। तो काफ़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है उनके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है, तो जजमेंट मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में। वो इसलिए क्योंकि सोल और बॉडी तो कभी अलग हो ही नहीं सकता, और कोई अपने सोल से नहीं भाग सकता, सिंपल सी चीज़ है। आपके पास आने की सोच रहे हैं, और डिस्टाइंड कनेक्शन है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है ये मुझे, जो उनकी लाइफ में आ रहा है। काफ़ी झगड़े हो रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि उनकी फैमिली के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, क्योंकि जो डिस्टाइंड कनेक्शन होता है ना, उसमें एक ऐसा जैसे जैसे आपके ही अंदर उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके ही अंदर है। जैसे उनके अंदर अगर ईगो है, कोई और चीज़ें हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ है। जब हमें कोई हमारे बॉडी में कोई रैश आ जाता है, या कोई छोटा सा वो खरोश आ जाता है, तो हम उसको उखाड़ के फेंकते नहीं हैं, हम उसको क्या करते हैं, हील करते चले जाते हैं, उसमें दवाई लगाते हैं, उसको हील करते हैं। तो आपके जो डीएम हैं वो अगर बीमार हैं, तो आप उनको हील करोगे, ना कि उनको अपनी ज़िंदगी से उठा के फेंकोगे। तो आपके अंदर जो जैसे जैसे आप हील करोगे, वो हील होकर प्योर सोल बन जाएंगे आपके जो डीएम हैं। तो इस पूरे जर्नी का यही मकसद है कि आपको हील करना है उनको। जैसे जैसे आप अपने सोल को हील करते जाओगे, तो ऑलमोस्ट वो प्योर सोल बन जाएंगे, वो हील हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो ये पूरी जर्नी ही इसी बारे में है, इसी को लेकर है कि आप उनको कितना हील करते हो। आप एक हीलर हो, जब अपने आप को हील नहीं करोगे, तो किसी और को कैसे हील करोगे? आप इसी पर्पस के लिए आए हो, हील करने के लिए इस दुनिया में। तो अपने ही अगर डीएम को आप हील नहीं कर पाओगे, तो किसी और को कैसे कर पाओगे? तो आपके जो डीएम है वो आप ही के, क्योंकि डिवाइन हर जो नॉर्मल सोल्स होते हैं उनके अंदर डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी होता है, लेकिन जो डिवाइन सोल्स होते हैं, जो इस दुनिया में एक पर्पस के लिए आते हैं, उनके अंदर फेमिनाइन का जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो दो जो सोल है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, और अलग अलग बॉडी में पैदा होता है। इस धरती पर पैदा होते वक्त दो अलग अलग बॉडीज में पैदा होते हैं, और उस जर्नी में उनको एक दूसरे को हील करना होता है, एक दूसरे को बैलेंस करना होता है, और उसके बाद अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना होता है। यही है इस पूरी जर्नी का मकसद। तो आपको आपके डीएम मिल गए, उनको हील करने का काम आपको दिया गया है, और वो कहाँ करेंगे, वो आप बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही के सोल के एक हिस्सा हैं वो।
तो आपको अपने अंदर काम करते जाना है, उनको हील करते जाना है. हील कैसे करेंगे आप? अपने अंदर के ईगोस को, जो भी आपके अंदर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे को हील करनी है, पास्ट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, तो उसको हील करिए. तो ऐसे धीरे धीरे आप, जैसे एक एक खरोश आ जाता है तो उस पर आप दवाई मरहम लगाते हो, उसी तरह लगाते जाइए लगाते जाइए. एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपका सोल इतना हील हो जाएगा कि आप बाहर नहीं ढूंढोगे अपने मैस्कुलिन को. आप समझ जाओगे कि आप ही के, जैसे सबके अंदर, नॉर्मल सोल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन होते हैं, आपके दो बॉडी के अंदर अलग अलग बढ़ गया, लेकिन आप ही के एक हिस्सा है वो. तो आप अपने सोल को जैसे जैसे हील करोगे, वैसे वैसे वो हील हो जाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है. तो यही है इस पूरी जर्नी का मकसद. तो जजमेंट तभी मिलेगा जब आप, लेकिन जजमेंट ज़रूर मिलेगा. जैसे कंप्लीटली आप हील हो जाओगे ना, तो उनको सही गलत का अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा. चलिए एनर्जी और अकल से देखते हैं. अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करिए. मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं. चक्रास को एक्टिवेट करिए, बैलेंस रखिए. डिस्टाइंड कनेक्शन है, इसलिए कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि अपना ही सोल अपने आप को ही छोड़ दें. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल उनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं सिचुएशन को. ये जो टावर मोमेंट आया है, इसको हैंडल करने के लिए उनको स्ट्रेंथ मिल रहा है एंजल से. वुमेन होल्डिंग हार्ट, उनको पता है कि आप पे उनका पूरा पूरा हक है. ये वो जानते हैं ये चीज़. और उनको पीस तभी मिलेगा जब आपके पास आएंगे वो, क्योंकि गिल्ट लेकर कोई इंसान ज्यादा दिन तक नहीं घूम सकता इधर उधर. एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, देखिए अपने लाइफ में आपको कहाँ चेंजेस लाना है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं. आप नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान दें. अपने पेंटेकल्स पे काम करें, पैसों पे काम करें, अपने ऊपर फोकस करें. द गार्डन एंड द गेट, आप जर्नी के बहुत नज़दीक आ चुके हो. एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं. क्योंकि आप नेचर से कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड कोई काम कर लीजिए, कोई सोशल सर्विस कर लीजिए. जैसे दूसरों को हील करना तो ठीक है, लेकिन नेचर को प्रोटेक्ट करना. जैसे कहीं पर गंदगी फैल रही है, तो उसके अवेयरनेस बढ़ाएं कि ऐसा ना करें. सो नेचर से रिलेटेड, नेचर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इस पे थोड़ा फोकस रखिए. और फार्मिंग, जैसे फार्मर्स के लिए हेल्प कर दीजिए. किसी विलेज में जाके काम कुछ हेल्प कर लीजिए जो उनको चाहिए, क्योंकि नेचर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. डोर टू स्पिरिट, जो एंजल से हेल्प मांगिए, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए. जब आप मांगेंगे ना, तभी मिलेगा. आप ये मत सोचिए कि खुद ही मिल जाएगा सब कुछ. आप मांगिए एंजल से, प्रेयर करिए. और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है. आप अपने अंदर काम नहीं करोगे और एंजल्स को बुलाओगे तो नहीं आएंगे. आप अपने सोल को प्योर करके फिर उनको याद करिए, उनसे हेल्प मांगिए कि मुझे अपने सोल प्योर करना है, मैं पास्ट को भूलना चाहता हूँ या चाहती हूँ. जो भी है उनसे मदद मांगिए. आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप डिवाइन सोल एक पर्पस के लिए आए हो, तो आप मांगोगे तो ज़रूर मिलेगा. ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे. पेशेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में. क्योंकि आपको लगेगा आप हील हो गए, यूनिवर्स को पता है कि आप हील हुए हो या नहीं. उनको हम धोखा नहीं दे सकते. यूनिवर्स को पता होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ रह गया अंदर. तो हम सोचते हैं बाहर से तो हम अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अंदर कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है. ऐसा नहीं है. यूनिवर्स को सब पता चलता है, सब दिखाई देता है. तो इसलिए प्योर सोल अंदर से बनना है, बाहर से नहीं. डोर टू रोमांस, तो रोमांस बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाली है, इसका साइन है ये. ठीक है, तो गॉड्स गाइडेंस देख लेते हैं. बहुत ज़रूरी है गॉड्स गाइडेंस.
इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि ये आपके डीएम की नेगेटिविटी भी हो सकती है. क्योंकि चक्रास एक साथ शेयर कर रहे होते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही की एनर्जी है, उनकी भी हो सकती है. तो उसको रिलीज करिए, क्योंकि उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा ईगोज होते हैं. फेमिनाइन जो होती है वो शुरू से ही थोड़ी काइंड हार्ट की होती है, लेकिन मैस्कुलिन की एनर्जी काफ़ी हाई होती है, तो वो आपके अंदर आकर इफेक्ट करती है कई बार. तो आपको लगता है कि आप मेरी तो नहीं है ऐसा, पर उनकी भी हो सकती है. लेकिन नेगेटिविटी है तो रिलीज करिए, आपके अंदर हो सकता है उनकी एनर्जी आती हो. वॉट डू यू नीड टू रिलीज? देखिए क्या चीज़ आपको, कुछ फियर रह गया, कुछ भी चीज़. अगर आप एक 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 बोलते हैं ना, एक कहावत है, एक चीज़ है, जैसे बोलते हैं कि हमने उनको कैद भी नहीं किया और वो फरार भी नहीं हुए. मतलब उस स्टेज पे जाना है. बात यह है कि आपने किसी, आपने मैस्कुलिन को पकड़ के भी नहीं रखा और उन्होंने, वो भागे भी नहीं. तो कहते हैं ना, वो हमने उनको पकड़ के भी नहीं रखा और वो भागे भी, फरार भी नहीं हुए. तो उस स्टेज पे जाना है. आपने कैद भी नहीं किया और वो फरार भी नहीं हुए. तो यही है सच्चा प्यार. जो 3D वर्ल्ड में जो कहते हैं ना, वो डर के मारे ना शादी वादी कर लेते हैं, उनको लगता है कि कहीं भाग ना जाए, इसलिए शादी करते हैं. उनको लगता है कहीं धोखा देकर भाग ना जाए. भागने वाला तो कैसे भी भागता है वो. तो बात वो नहीं है, बात ये है कि एक दूसरे पे ट्रस्ट करना. तो वो सिर्फ सोल ही कर सकता है, सोल ही अपने सोल पे ट्रस्ट कर सकता है. तो वो बहुत ही प्योर कनेक्शन है. ये जो कनेक्शन है ना, बाकी रोमांस की तरह नहीं है. ये सिर्फ बातों में, बातों से नहीं होता कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ये वो, इन सब चीज़ों से ये पता नहीं चलता ये कनेक्शन. ये कनेक्शन सोलफुली कनेक्टेड होता है. ये बिना बताए भी सब कुछ पता चल जाता है, वैसी कनेक्शन होती है ये. तो इतना ट्रस्ट लाइए अपने अंदर. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. बहुत ही बड़ा पावरफुल चेंज आने वाला है. ये छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, बहुत बड़ी चेंजेस है. क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड भी आया है, तो उनकी थिंकिंग में, थॉट में भी चेंजेस आएंगे, बिहेवियर में, थॉट्स में, थिंकिंग में. भले आपको ना दिखे, आपको लगेगा कहाँ देख रहा है, दिख ही नहीं रहा, पर जो इंसान, अब आपका सारा साइड तो सब हर कोई नहीं जानता ना, कुछ चीज़ें अंदर होती हैं, वैसी उनकी भी अलग होती है दिखाने का वो जो अंदाज होता है. ज़रूरी नहीं है दिखे, पर हो जाता है, अंदर से अलग होते हैं वो. स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ना, तभी कुछ हो पाएगा. आप डे ड्रीमिंग में ही रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो उसके लिए जो पहले परेशानी होगी, जब आप अपने हीलिंग पे जाओगे, रोना आएगा, टूटोगे, उठोगे, पर इतने स्ट्रांग बन के निकलोगे ना, वो कम्फर्ट जोन से बाहर निकलो. ये नहीं सोचो कि मुझे कम्फर्ट मिल रहा है मम्मी के पास, पापा के पास. ऐसे कम्फर्ट जोन में नहीं रहना, उससे बाहर निकलो. चैलेंजेस को तभी खुशियाँ भी मिलेंगी. उसी जगह पे फंसे रहोगे और रोते रहोगे कि मैं फंसा हुआ हूँ, मैं टाइड अप हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता. सिर्फ दिमाग और दिल बंधा हुआ होता है, उसको रिलीज करोगे ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें. अलग कुछ, जैसे कि मुझे यहाँ पे कम्फर्टेबल लग रहा है, पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, कंफर्टेबल लग रहा है, ये सोचोगे तो फिर पेन ही झेलना पड़ेगा. अगर पेन से निकलना है तो बाहर, कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना पड़ेगा. वहां पे भी थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन वो थोड़ा भलाई के लिए, अच्छे के लिए होगा, चेंजेस के लिए. जैसे यहाँ पे पावरफुल चेंजेस, तो चेंजेस के लिए होगा वो. आपके चैलेंजेस जो आएंगे वो आपके पावर के लिए, वो आपके आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगा, जो बेटर वे पे आपको ले जाएगा. आप ट्रस्ट करिए बस डिवाइन पे, ट्रस्ट करके आगे निकलते जाइए. ओके. शो द वर्ल्ड द रियल यू. दिखा दीजिए आप कितने बोल्ड हो. आपके डीएम को भी यही लगता है ना कि वो छोड़ के भाग जाएंगे, आपको होट होगा, आप रोओगे, वो ट्रिगर करेंगे, आप रोओगे. आप दिखाओ कि नहीं, मैं नहीं रोऊंगी या रोऊंगा, मैं तुम्हें हील करूंगा या करूंगी. क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत है इस जगह पे. ये कंपटीशन नहीं है, ये ईगो की वो नहीं है, गेम नहीं है, ये कोई गेम नहीं है. जो भी कोई बीमार इंसान आता है तो उनको हील करना होता है, तो उनके अंदर ईगो की बीमारी है तो उसको हील करना है, और इस बात को लेकर प्राउड फील करना है कि मैंने एक इंसान को एक हील किया. प्राउडली फील करो कि मैंने एक इंसान को चेंज किया,
हील किया और उसका मौका मिला मुझे, चेंजेस मिले, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ काम कर सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर पावर्स है कि मैं दूसरों को हील कर पाऊँ। तो इतना इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए, ये बहुत ज़रूरी है। आप एक इंसान जो बीमार इंसान है उसको हील कर रहे हो, सिंपल सी बात है ये। इसमें ईगो, मैं जीता मैं हार गया, अगर मैं पहले बात करूंगा तो मैं हार जाऊंगा, वो मेरे को ट्रिगर कर रहा है, मतलब ऐसे ब्लेमिंग गेम नहीं खेलना इस चीज़ में, इस जर्नी में। ओके, अगर कोई दुख में है, एंगर में है या जेलसी में है तो, या फिर फियर में है, तो उस बंदे को हीलिंग की ज़रूरत है, ना कि हम उसकी कमियों को ढूंढ ढूंढ के निकालें और उसका मजाक उड़ाएं या उसको हर्ट करें कि तू ऐसा है तू ऐसा है, या उसकी कमियों को बोल के दिखाएं। उसको हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो इस एंगल से देखोगे ना आपको बात समझ में आएगी। ये है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने लिए टाइम निकालें और मेडिटेट करें। मैं तो यही बोलूँगी, मेडिटेशन के बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं है। मेडिटेशन करें, घर पे ही करें, ज़रूरी नहीं कोई क्लास ज्वाइन करें, घर पे भी कर सकते हो। ओके, होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। टेक केयर।